खबर अम्बेडकर नगर जनपद से है, जहां श्रीराम सूरत मार्ग को भाजपा अवध क्षेत्र का श्रम प्रकोष्ठ का क्षेत्रीय संयोजक बनाया गया है, जिसके बाद अम्बेडकर नगर के वरिष्ठ फायर ब्रांड नेता श्रीराम सूरत मौर्य को बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। पूर्व सांसद हरिओम पांडे, विधायक टांडा संजू देवी, पिशा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष शिवनायक वर्मा, जिला अध्यक्ष भाजपा मिथिलेश त्रिपाठी, साधु वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष अम्बेडकर नगर सहित सैकड़ों लोगों ने बधाई दी है। एक बातचीत में नवनियुक्त प्रांत संयोजक श्रीराम सूरत मौर्य ने प्रदेश को अच्छे आज बताइए आपको जो है भाजपा का जो है श्रम प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया उत्तर प्रदेश से, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व और क्षेत्र नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र श्रम प्रकोष्ठ का क्षेत्रीय संयोजक बनाने का काम किया है, निश्चित तौर पर मैं ये वचन देने का काम करता हूं कि पार्टी के हित में पूरी निष्ठा और लगन के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और विशेष तौर पर मैं उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सचिव प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश महामंत्री और अवध क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय अमरपाल मौर्या जी, अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय शेष नारायण मिश्रा जी, अंबेडकर नगर के पूर्व सांसद डॉक्टर हरिओम पांडे, टांडा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय संजू देवी जी और पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवनायक वर्मा जी तथा भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर नगर के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय मिथिलेश त्रिपाठी जी के प्रति विशेष रूप पर आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोगों ने मेरे ऊपर जो स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करने का काम किया है, मैं पूरी निष्ठा और लगन के साथ पार्टी को गति देने का काम करूँगा। जय हिंद, जय